हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। 5 मार्क्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका बिलोंग कर रहा है फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर से। रियल नंबर से पहली बात तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए क्या है। इसको पहले समझिए, इसकी लैंग्वेज को समझिए, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर। शो करिए कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए ये नंबर क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है ना। क्लियर, मैं फिर से समझा देता हूं कैसे। वो बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं जिसके लिए ये क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। रैशनल होने का मतलब क्या है, अंडर रूट हट जाए। अंडर रूट हटने का मतलब क्या है, ये नंबर, ये नंबर, ये जो दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर भी एन के लिए क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा शो करिए आप। क्लियर, तो कुल मिला के हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन प्रूफ करने का तरीका क्या है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। हम मानेंगे कि ऐसा नंबर है जिसके लिए ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट हटेगा और ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो ये रैशनल हो जाएगा, और फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आया समझ में? चलिए देखिए पूरा प्रूफ करेंगे तभी मज़ा आएगा आपको। और अगर वीडियो समझ में आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना, वीडियो अच्छी लगे तभी आप चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। देखें, मान लो कि लेट देयर बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर बी अ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच अंडर रूट एन माइनस वन एंड अंडर रूट एन प्लस वन आर परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मान लीजिए रैशनल की फॉर्म में इसे, है ना, तो क्या है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, अच्छा इसको पहले लिख लो, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाल दो इक्वेशन वन। ए और बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये लीस्ट फॉर्म में है। क्लियर, हाँ, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वन के अलावा। अब यार इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कैसे सॉल्व करूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको वन अपॉन करके लिख लीजिए, वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा बी अपॉन ए। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए, एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन इन टू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन उल्टा कर दीजिए आप, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वही नंबर रहेगा, एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन। क्लियर, नीचे एक स्टेप आ जाएगा, नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। इधर देखें, टेढ़े टेढ़े देखें, सिंप्लीफाई, अभी तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो देखिए ऊपर हो गया अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो गया एन प्लस वन, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, बी अपॉन ए, तो ये हो गया अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन। ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ से, तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, टेढ़े 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 हो गया कैंसिल, हाँ, तो ये हो गया अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए अपॉन, नीचे टू होगा तो टू इधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया, टू बी अपॉन ए, इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। क्लियर,
अब फर्स्ट को और सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब हम अंडर रूट वाली वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इक्वेशन को, टिणे टिणे। देखें ऐड करने से क्या होगा, अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन, ये वाली इक्वेशन। अब ये वाले प्लस अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, ए अपॉन बी और प्लस टू बी अपॉन ए। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया टू अंडर रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बी। एलसीएम ले लो, ए बी एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट एन प्लस वन किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये टू जो है नीचे आ जाएगा। क्लियर। इसको डाल दो इक्वेशन थ्री। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया अंडर रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन, हो गया माइनस ये लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन प्लस वन, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन माइनस वन। तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस टू बी अपॉन ए। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया टू अंडर रूट एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी। एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट एन माइनस वन किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये हो गया इक्वेशन फोर। अब देखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्या ए इंटीजर बी इंटीजर टू इंटीजर, ए इंटीजर बी इंटीजर टू इंटीजर। तो ये नंबर और ये नंबर क्या हो गए, रैशनल है ना। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, प्लस वाला ले लो, एंड ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी आर रेशनल। ये दोनों नंबर क्या है, रेशनल है। सो देयर फोर विच इम्प्लाइज, ऐसे करके लिखें, विच इम्प्लाइज रूट एन प्लस वन एंड रूट एन माइनस वन ऑल्सो रेशनल। ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। क्लियर। ये नंबर भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। और ये रैशनल अगर हुए, सो देयर फोर एन प्लस वन एंड एन माइनस वन मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। अब ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, तो अगर इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो ये रैशनल हो जाएगा, और नहीं किया तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वन, दूसरा क्या होता है फोर, तीसरा क्या होता है नाइन, यही तो होता है। आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस निकाल के देखिए, फोर माइनस वन कितना आएगा थ्री, नाइन माइनस फोर कितना आएगा फाइव, तो लीस्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए, तीन आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका डिफरेंस देखते हैं, एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन। तो ये हो गया एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन, इससे ये कट हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो ऐसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका डिफरेंस थ्री से छोटा आता हो। मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा था, लीस्ट कितना आ रहा था, थ्री तो आ रहा था, और ये थ्री से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसी भी केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंस ऑफ एनी टू परफेक्ट, पी एस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ना, एज द डिफरेंस ऑफ एनी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर is at least 3, is at least 3. So therefore, अब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ है ना, लिख दीजिए, therefore the number n plus 1 and n minus 1 are not perfect square. ये perfect square नहीं है। तो hence under root n plus 1 and under root n minus 1 are not rational.
are not rational. So our assumption is wrong. Hence, under root n plus 1 plus under root n minus 1 is irrational. या दूसरा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, सो देयर फोर देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच द नंबर अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज रेशनल. आप ये भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.